वरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडे इज द पार्ट टू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सो वी हैव डिस्कस मेनी एम सी क्यूज इन दार्ट वन एंड आई होप की यू ऑल आर एंजॉइंग सेशंस तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट उसमें से क्लियर हुए रहेंगे तो so, आपको ध्यान रखना है बहुत सारे कंसेप्ट से ही आपके एमसीक्यूज आप पेपर में सॉल्व कर सकोगे तो so, आज हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एम सी क्यूज जो आपके कॉस्टिंग के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है तो पार्ट टू में जाएंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काफी सारे एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं वो जाके आप आपके चलो आगे बढ़ते हैं रिटेंशन मनी इज इक्वल टू तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिटेंशन मनी क्या होता है वर्क सर्टिफाइड माइनस वर्क अनसर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट रिसीव्ड बाई कॉन्ट्रेक्टर एंड ऑल ऑफ दी अब तो रिमेंबर इसका राइट right आंसर है वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जो वर्क सर्टिफाइड होगा वह अगर हम माइनस करेंगे तो हमको रिटेंशन मनी मिलेगा रिटेंशन मनी का मतलब होता है उतना पैसा जो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं किया गया है अगर वन लाख रुपीज का पेमेंट करना था तो ट्वेंटी थाउजेंड पे कर दिया तो एट्टी थाउजेंड रिटेन करके रखा है दैट इज कॉल्ड रिटेंशन मनी ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अगर आप वर्क सर्टिफाइड को माइनस करोगे तो आपको रिटेंशन मनी मिल जाएगा नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिसाइडेड फॉर तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिसाइडेड फॉर लेबर मटीरियल्स ओवरहेड्स या ऑल ऑफ द एलिमेंट्स तो इसका राइट आंसर है ऑल दी एलिमेंट्स स्टैंडर्ड कॉस्ट सभी एलिमेंट्स के लिए डिसाइड किया जाता है लेबर के लिए भी मटीरियल्स के लिए भी ओवरहेड्स के लिए भी एंड ऑल द एलिमेंट्स दैट इज वाई द आंसर राइट आंसर फॉर दिस इज ऑल एलिमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेटेड एज तो हाउ डू वी कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मुला दिया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई पी वी आर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या ऑल ऑफ दी अबव तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव अब ध्यान रखना अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आता है अगर आप सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर करोगे तो भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आता है अगर आप फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट में प्लस करोगे तो भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट याद रखना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो यू आर गेटिंग द आंसर एज प्रॉफिट ठीक है तो अगर हम प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा या सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन इज इट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग सिमिलर टू एब्सॉर्बन कॉस्टिंग या नन ऑफ दी अबाव तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इट इज कंसिडर एज अ करना पड़ेगा ध्यान से, काफी है अभी एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट नॉर्मल लॉस दिया है थ्री थाउजेंड यूनिट एंड एबनॉर्मल लॉस दिया है टू थाउजेंड यूनिट तो कैसे सॉल्व करना है देखो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है इनपुट इनपुट में से अगर हम नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट ठीक है एक्सपेक्टेड आउटपुट में से अगर हम एक्चुअल आउटपुट को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एबनॉर्मल लॉस या फिर गेन ठीक है यहां पे एबनॉर्मल लॉस दिया है तो यहां पे एबनॉर्मल लॉस कितना दिया है आपका टू थाउजेंड का एबनॉर्मल लॉस दिया है दिस इज दबनॉर्मल लॉस फिर एक्चुअल आउटपुट आपको कितना दिया है एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है एक्चुअल आउटपुट आपको कितना दिया है ट्वेंटी लॉस में यहाँ पे लिख देता हूँ थ्री थाउजेंड दिया हुआ है तो अभी देखो यहाँ पे ट्वेंटी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव है यहाँ पे टू है अगर हम टू थाउजेंड में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया देखो ट्वेंटी सेवन एक्सपेक्टेड 27 में से ट्वेंटी करेंगे तो दो हजार परफेक्ट आता है मतलब राइट right, आंसर तो तो right right क्या है तो राइट right आंसर है आपका थर्टी थाउजेंड आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया है मेन तो इसका फॉर्मेट है फॉर्मेट अगर याद रखोगे तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कंटेन्स क्वांटिटीज एंड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल ओनली डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ओनली डायरेक्ट लेबर ओनली या डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स हेड्स तो रिमेम्बर स्टैंडर्ड कॉस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर दैट इज कॉल्ड एज वेजेस एंड ओवर हेड्स तो तीनों के तीनों पॉइंट्स इसमें कवरअप हो जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर सेवन वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीट द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट या बैलेंस शीट आई होप कि आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो फिर वो रूल है अगर 25 परसेंट तक कैलकुलेशन है मतलब 24 परसेंट तक है तो पूरा का पूरा रिजर्व में जाएगा 25 से लेके 49 परसेंट तक है तो वी कैलकुलेट वन थर्ड ऑफ द दोशनल प्रॉफिट अगर 50 परसेंट से ऊपर उप, अगर वर्क वर्क डन आया आपका तो दैट विल बी का कैलकुलेशन आई होप यू आर क्लियर फर्दर क्वेश्चन नंबर एट वेरियंस इज अ डिफरेंस बिटवीन तो दिस इज द चैप्टर रिलेटेड विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो वेरियंस जो है वो डिफरेंस किसका और किसका डिफरेंस है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट का फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट या फिर वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट आंसर इज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट तो जो भी आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा और जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको ही हम वेरियंस के नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल प्राइस मटेरियल यूसेज मटेरियल कॉस्ट सिमिलरली यू हैव लर्न ऑलरेडी लेबर रेट लेबर एफिशंसी एंड लेबर कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं एबीसी स्टैंड फॉर एबीसी एनालिसिस अट बेस कंट्रोल एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग या ऑलवेज बेटर कंट्रोल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ईजी लेकिन कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है तो इसका राइट right आंसर बनेगा एबीसी का मतलब होता है एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग तो एबीसी क्या है कॉस्टिंग में एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग जो आपको ध्यान रखना है फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में वेन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ सेवेंटी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज तो मैंने अभी आपको रूल बताए थे अगर हमको ट्वेंटी फोर परसेंट तक ये परसेंटेज आएगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है रिजर्व में जाता है अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट से लेके 49% तक आएगा तो वी आर कैलकुलेटिंग बाय द फॉर्मूला नोशन प्रॉफिट इक्वल टू दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू वन थर्ड इंटू नोशन प्रॉफिट इन कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड अगर हम ये 50% से ऊपर हमें आंसर मिल जाएगा तो दैट विल बी टू थर्ड इंटू नोशन प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे पूछा है सेवेंटी तो इसका मतलब इसका राइट right आंसर बनेगा टू थर्ड ठीक है टू थर्ड ऑफ प्रॉफिट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फर्दर इलेवेंथ नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे प्लांट स्पेशली परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड टू तो प्लांट अगर हमने स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही लिया है तो वो कहा डेबिट होगा प्लांट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट तो इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही प्लांट डेबिट होगा ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड एट सर्टन परसेंटेज ऑन यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस डायरेक्ट मटीरियल्स एक्सपेक्टेड आउटपुट या कॉस्ट ऑफ इनपुट अभी आप इसमें दो चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे डायरेक्ट मटेरियल्स पे तो हम कभी नॉर्मल लॉस नहीं ढूंढते तो ये तो गया एक्सपेक्टेड आउटपुट तो नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद आता है तो ये भी गया अब कंफ्यूजन बनता है कि यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस पे ढूंढते हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट पर ढूंढे ध्यान रखना इसका राइट right आंसर है कॉस्ट ऑफ इनपुट क्योंकि लिए जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट रहेगा ये अभी यूनिट्स इंट्रोड्यूस क्यों नहीं क्योंकि लिए अगर पहले प्रोसेस में आप डायरेक्ट ढूंढे तो कोई प्रॉब्लम नहीं सेकेंड प्रोसेस में एडिशनल इनपुट होता है तो एडिशनल इनपुट को प्लस करके टोटल इनपुट मिलता है ध्यान रखना तो वो टोटल इनपुट के ऊपर ही हम नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड वेट लॉस एंड स्क्रैप लॉस तो राइट आंसर फॉर दिस इज कॉस्ट ऑफ इनपुट ठीक है चलो अगला पॉइंट नॉर्मल पेनल्टीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मटेरियल्स अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंट रिमेंबर नॉर्मल पेनल्टीज जो है वो भी हम कहा लिखते हैं हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में जाएंगे द बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रिप्रेजेंट्स राइट आंसर फॉर दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड ठीक है जो भी गुड्स मतलब बेचे नहीं जाएंगे या रिमेन अनसोल्ड होंगे वही बैलेंस होगा आपका फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट शो करेगा और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे द प्रोडक्ट विच हैज इक्वल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इकोनॉमिक प्रोडक्ट या कंज्यूमर प्रोडक्ट तो राइट आंसर फॉर दिस इज जॉइंट प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है द प्रोडक्ट विच हैज़ इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट आई होप कि आपको ये सारे एम समझ में आए होंगे बहुत सारे एम सीरीज आपको मिलने वाली है और आई होप कि आपको इसके ये एम की वजह से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो रहे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर दूसरे सब्जेक्ट्स के डालिए दूसरे सब्जेक्ट्स के डालिए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिकली जो एम चलेगा वो एक सीक्वेंस में चलेगा पहले मैंने दो सब्जेक्ट लिए हैं नंबर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपको सुबह मिलता है और नंबर सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काफी सारे लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं तो अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर स्टॉप करूंगा तो एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाऊंगा दैट विल बी एचआरएम तो एचआरएम के एम के साथ आपको कॉस्टिंग uh, के एमसीक्यूज भी मिलते रहेंगे विच विल बी अ प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ़ यू और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले उनको भी ये मॉक टेस्ट से सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो बिकॉज जब आप खुद एम पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न थ्री हंड्रेड फोर अगर बुक के पीछे दिए हैं वो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है बट मैं ट्राई करता हूँ एम के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि वो कंसेप्ट से आप पेपर में कोई भी एम आएगा तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है इसका पीडीएफ मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया है जैसे ही कॉस्टिंग की सारी सीरीज खत्म हो जाएगी वैसे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा कंबाइंड बना के फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज अभी खत्म हो चुकी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो तो सीरीज है उसके बेसिस पे मैं कंबाइंड आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर रहा हूं तो टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना लास्ट मिनट रिविजन भी आ सेम ताकि आपको सारे पीडीएफ वहां पर मिलते रहे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू Till then, as always, work harder, be smarter.